मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग्स की काली दुनिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे उन बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिनका नाम ड्रग केस में उछला है या जो ड्रग केस में एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं और उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। सबसे पहले बात बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की। संजय दत्त की जिंदगी विवादों से घिरी रही है। साल 1993 में बम ब्लास्ट केस से पहले उनका नाम ड्रग्स केस में आया था। बॉलीवुड के मुन्ना भाई ने खुद कबूल किया था कि वो 9 साल तक ड्रग्स के आदी रहे थे। कोकीन से लेकर हीरोइन तक उन्होंने सब कुछ आजमाया था। उनकी बायोपिक संजू में दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने अमेरिका में रहकर इस नशे से आजादी पाई थी। फिलहाल संजय दत्त आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन के सक्रिय सदस्य हैं। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान कोकीन खरीदते हुए कैमरे में कैद हुए थे। उन पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे। हालांकि साल 2012 में स्पेशल कोर्ट ने फरदीन को केस से राहत दी थी। उसके बाद वो डी एडिक्शन प्रक्रिया से गुजरे थे। जांच में ये सामने आया था कि उन्होंने केवल 1 ग्राम कोकीन ही खरीदी है। उनका ये अपराध नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के धारा 27 के तहत आता है। एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। ममता कुलकर्णी का नाम भी ड्रग्स केस में आ चुका है। साल 2014 में ममता को ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। यहां तक कि केन्या पुलिस ने उनके पति विक्की गोस्वामी और एक भारतीय नागरिक को भी ड्रग्स से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। अभिषेक बच्चन की फिल्म रन से मशहूर हुए एक्टर विजय राज साल 1999 से लेकर अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। विजय राज के ऊपर भी ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। साल 2005 में गल्फ पुलिस ने उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि विजय राज का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि उनके बैग में 6 ग्राम मारिजुआना कैसे और कहां से आया। इस घटना के वक्त विजय राज UAE में विक्रम भट्ट की फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग कर रहे थे। बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन को भी साल 2006 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक ड्रग्स की बिक्री, खरीद और खपत आरोप में NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। शाहरुख खान की फिल्म परदेश में नजर आए अपूर्व अग्निहोत्री टीवी इंडस्ट्री के मशहूर सितारे रह चुके हैं। साल 2012 में अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी पत्नी शिल्पा अग्निहोत्री को एक रेव पार्टी में पकड़ा गया था। इसके बाद इन दोनों की मेडिकल जांच हुई, जिसमें सामने आया था कि कपल ने पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था। इसके बाद अपूर्व और शिल्पा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। हालांकि ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद कई महीने तक ये कपल ग्लैमर की दुनिया से गायब रहे थे। जाने माने अभिनेता और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान का नाम भी ड्रग्स केस में सामने आ चुका है। ड्रग्स मामले में उन्हें NCB ने गिरफ्तार कर लिया था। उनसे 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को 28 अगस्त 2021 को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ एक ड्रग पेडलर की भी गिरफ्तारी हुई थी। अरमान को उनके आवास पर छापे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी से पहले कुछ घंटों तक अरमान के घर पर छापेमारी चली थी, जिसमें उनके खिलाफ कई सबूत मिले थे। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल NCB ने ड्रग्स पेडलर्स से खुफिया सूचना मिलने के बाद भारती सिंह के अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा स्थित घरों में छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसियों को उनके घर में 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उसके बाद एजेंसी ने भारती और हर्ष दोनों को हिरासत में ले लिया था।